इसकी सैडल बनाता हूँ। और ये चीज़ देखो भाई, अबे मेरा घर कितना बड़ा ही है। ओ हेलो 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 भाई, ये देखो भाई, ये लग रहा है कोई स्पेसशिप चिल्ला रहा है भाई। नहीं हो रहा। अरे भाई क्या फेंका है इसने मेरे को। तो हेलो दोस्तों, आ चुके एक और नए आर्क असेंडेंट के एपिसोड में। तो स्वागत है गाइस आपका। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा था, हमने टीम किए थे दो ग्रिफिन, जो कि भाई माउंटेन ग्रिफिन थे और भाई बहुत ज़्यादा ऑसम डायनो थे। आपने देखा ही होगा। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी जाओ और वो एपिसोड देखो जाके। भाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड था वो। और आज गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो नीचे चलता हूँ। भाई मैं आ चुका हूँ नीचे, और सबसे पहले तो मैं आपको अपने ग्रिफिन्स दिखा देता हूँ, जो कि मेरे ये गए माउंटेन ग्रिफिन। ये गया मेरा ग्रिफिन और दूसरा वाला भी यहीं पे है। अरे ये नहीं, सॉरी, इसको हटाओ, इसको निकालो। तो भाई देख सकते हो, ये है हमारे दोनों ग्रिफिन। और भाई सच में कुछ ज़्यादा ही अच्छे कलर हैं दोनों की। ये मेन कलर है हमारा, है ना। अभी मेरे को एक चीज़ और करनी है भाई, इनके बनाने हैं सैडल। ना, क्योंकि इनकी सैडल भी बनती है, तो मैं सैडल भी बनाऊंगा, क्योंकि भाई आर्मर इनका बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मैंने देखा था। सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि आर्मर है कि नहीं है, उसके बाद करते हैं इसका आर्मर का जो भी है। तो भाई ये देख सकते हो भाई, काफ़ी सारे चीज़ें हैं ग्रिफिन की। तो देख सकते हो ग्रिफोन की वर्क बेंच भी है, ग्रिफोन की पता नहीं क्या क्या है ये भाई, बहुत सारी चीज़ें सच में भाई। पता नहीं किसके थैच से ये भी चीज़ बन रही है। अभी मेरे हिसाब से ये इन्वेंट्री में बनेगी आई थिंक। एक तो ये भी कुछ है, अभी मेरे को ये नहीं पता, ग्रिफोन की वर्क बेंच में बनेगी, अभी पता नहीं क्या है। ओ भाई गॉगल्स स्किन है ये भाई साहब, सीरियसली। और गाइस ये है इसका मेन चीज़, और ये पेल्ट से बन रहा है, पेल्ट, हेयर और वूल। अभी आई थिंक, मेरे को कन्फर्म नहीं पता, शायद से पेल्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने शायद से अपना ये मारा था। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, जो भी अपना ये है आर्मर वगैरह, पहले तो ये बनाता हूँ, उसके बाद चलते गए इस डायनो को टेम करने। आज हम लोग टेम करने आ रहे हैं ब्रैकियोसॉरस। मैं यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल एक्सप्लोर कर रहा था, और मेरे को इस तरफ इस एरिया में, है ना, जो भी अपना कासल है, यहाँ पे मेरे को मिला है एक ब्रैकियोसॉरस। अगर आपको नहीं पता है ब्रैकियोसॉरस क्या डायनो होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारा जो ब्रोंटोसॉरस होता है, सेम थोड़ा बहुत लाइक वैसा ही दिखता है। ब्रोंटोसॉरस से बड़ा होता है, बट टाइटन से छोटा होता है, और बहुत ज़्यादा ऑसम डायनो है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, पहले ग्रिफिन का आर्मर बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं गाइस उस डायनो को टेम करते हैं, और दिखाते हैं गाइस कितना ज़्यादा अच्छा डायनो है वो। अभी एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो वो चीज़ बना के देखता हूँ, ग्रिफिन ग्रिफोन करके जो भी उसका वर्क बेंच है। ओके गाइस, तो ये है ग्रिफोन की वर्क बेंच, है ना। अभी मैं एक काम करता हूँ, छोटी सी है वर्क बेंच, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, है ना। बाकी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये लग चुकी है भाई, सच में देखो भाई स्मृति इसकी क्या बेहतरीन स्मृति दिख रही है भाई। यहाँ पे तो पता नहीं क्या कागज़ वगैरह, ओह भाई कितने ज़्यादा रियल दिख रही है ना। अभी ये काम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई देख सकते हो ये हैं इसकी काफ़ी सारी चीज़ें, और इसका ये है चिटिन का आर्मर, और ये मेटल का आर्मर। गाइस तो दो मेटल, एक काम करते गाइस, मैं एक बनाता हूँ चिटिन वाला आर्मर, दो ग्रिफिन है ना हमारे, तो और दूसरा बनाता हूँ मैं अपना मेटल का आर्मर, ताकि देख सके हम लोग दोनों ही। और ये आई थिंक बैकपैक है इसका, अभी ये नहीं पता ये बैकपैक लगेगा कैसे। सबसे पहले तो मैं ये बनाऊँगा, और इसकी स्किन है ये क्या है मेरे को नहीं पता, ये नेस्ट है। तो आई थिंक ये इन पे बैठ सकते हैं, दो बना लेता हूँ, मेरे को भी कंफर्म नहीं पता है। बाकी ये भी आई थिंक ये सैडल है, इसकी बेसिक सैडल है ये वाली, ये नहीं बनाऊंगा मैं, ये दोनों बनाऊंगा। तो अभी एक काम करता हूँ, ये आई थिंक नहीं है क्या, हेलो, ये इसके लिए क्या चाहिए, चिटिन चाहिए भाई, चिटिन रखा हुआ है भाई, खींचो तो, चिटिन काफ़ी सारी रखा हुआ है भाई, खींचता ही नहीं है यार। तो अभी इसके लिए ये हो गया, और आई थिंक मेरे पास नहीं नहीं पेल्ट भी है। मेरे पास पेल्ट भी है, ठीक है। अभी देख सकते हो भाई, ये है मेरा चिटिन का आर्मर, और ये बन रहा है मेटल का आर्मर। सच में मज़े, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। अभी जल्दी से चलता हूँ, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसको जो नेस्ट है मेरे को कहाँ बनाना चाहिए, उधर ही बनाऊँ क्या नेस्ट इसका। एक काम करता हूँ, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको मैं अंदर या फिर बाहर खड़ा कर देता हूँ दूर, क्योंकि भाई अभी मेरे को इस डायनो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरे पास ग्रिफिन आ चुका है। ये हालांकि अच्छा डायनो था, बट अभी अभी मेरे पास आ चुका है ग्रिफिन। और भाई ये देखो कितना बड़ा नेस्ट है यार इसका, रुको दिखाता हूँ। तो भाई ये है इसका नेस्ट, अभी मेरे को ये नहीं पता है कि क्या करता है। आई थिंक भाई अब भी देख सकते हो भाई ये बैठ गया इस पे,
ओह भाई साहब, भाई सीरियसली ये इस पे बैठ गया, रुको दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये चीज़ देखो क्या ही अमेजिंग लग रहा है, भाई ये चीज़ क्या ही धांसू दिख रहा है। तो गाइज ये है, देख सकते हो ग्रिफिन का नेस्ट, और अभी काम करता हूँ इसको, रुको भाई मैं इसको उठाऊँ कैसे, बट ओके ये उठ चुका है अभी, रुको जरा इसको भी मैं बाद में दिखा, मतलब कि नेस्ट को मैं बाद में ये सारी चीज़ कर दूंगा। सबसे पहले तो भाई मैं इसको पहनाता हूँ अपना चिटिन का आर्मर। ओके ये गया मेरा चिटिन का आर्मर, और भाई इसका भी वो आ रखा है। भाई ये देखो ब्रो, भाई क्या धांसू दिख रहा है ब्रो, क्या ही मस्त दिख रहा है, सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। अभी ये काम करता हूँ इसका पहनाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ओके भाई ये है गाइस इसका मेटल का आर्मर। भाई क्या ऑसम डायनो है भाई, सच में कितना ज्यादा मजेदार दिख रहा है भाई। आई थिंक इस पे दो लोग बैठ सकते हैं, मे बी, मेरे को कंफर्म नहीं पता है। अभी मेरे पास दो बंदे नहीं है जो कि मैं देख सकूं पैसेंजर सीट के लिए है कि नहीं है। नहीं यार मैंने नेस्ट ही बनाया था, और आई थिंक ये इसके बच्चे का है भाई, ये इसका बच्चे का है तो ये ब्रीड भी हो सकता है। तो गाइज ये देख सकते हो ये है हमारे ग्रिफिन के आर्मर दोनों, और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ना। और भाई अभी ये काम करता हूँ गाइज, भाई क्या धांसू डायनो दिख रहा है भाई, सच में क्या ही मज़ेदार डायनो दिख रहा है। तो गाइज अभी ये काम करते हैं, मैं वो डायनो दिखाता हूँ आपको ब्रैकियोसॉरस जो कि आज हम टेम करने वाले हैं। ओके तो सबसे पहले चलता हूँ मैं इधर, मैंने मोस्टली ज़्यादा दूर नहीं, वो पास में ही था है ना, ज़्यादा दूर नहीं। तो गाइज ये है वो डायनो ब्रैकियोसॉरस, और आज मैं इसको टेम करने जा रहा हूँ, और भाई सच में कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार डायनो है। आप ये देख सकते हो कि भाई ब्रोंटोसॉरस ये रहा और हमारा ब्रैकियोसॉरस ये रहा, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा डायनो है सच में। तो गाइज इसको हम टेम करने वाले हैं, बाकी इसकी हेल्थ वगैरह देख लेता हूँ। 20 लेवल का है, बट दिक्कत ये है गाइज, अब कोई बात नहीं 20 लेवल का है तो कोई बात नहीं, बट डायनो बहुत अच्छा है, और ये भी थोड़ा यूनिक तरीके से टेम होता है, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलते गाइज इसको डायनो को टेम करते हैं, और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो हमारा ग्रिफिन है अब आपको कैसा लग रहा है। ओके कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी, बट अब देखो भाई क्या धांसू डायनो दिख रहा है सच में, है ना। चिटिन वाला भी लग रहा है अच्छा खासा, चिटिन वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी एक काम करता हूँ इसको मैं इधर बिठा देता हूँ, बाकी ओके भाई अभी देख सकते हो आप ये कितना प्यार से बैठ गया भाई, देखो भाई। चलो भाई अभी एक काम करता हूँ उस डायनो को टेम कर लेंगे। सबसे पहले तो मेरे को चाहिए एक राइफल, और उसके बाद चाहिए है मेरे को राइफल की बुलेट। ओके जो एडवांस राइफल होती है, जो कि एडवांस बुलेट होती है, वो दोनों ही चीज़ चाहिए, क्योंकि जब वो अपना जो भी ये डायनो है जब भी कभी दो पैरों पे खड़ा होता है, ओके तब मेरे को इसको टॉर पर देना होता है। वो टॉर पर अपनी जो भी टॉर पर डार्ट वगैरह होते हैं उनसे नहीं आता है, वो टेम होता है, मतलब कि डैमेज दे के, समझ रहे हो। तो चलते जल्दी से टेम करते हैं, आपको दिखाते सारा प्रोसेस कैसा होता है, और काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो चलो गाइस जल्दी से चलते सारी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। भाई मेरे को नहीं पता है कि भाई कितने बन पाएंगे, 300 बन जाएंगे। तो भाई देख सकते हो ये बन जाएंगे 300, और मेरे को चाहिए इसकी राइफल, बट राइफल गई कहाँ। ओके भाई ये गई, ये गई, ओके 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 भाई एक काम करते हैं, जब तक ये सारी चीज़ें बनती हैं तब तक मैं अपने डायनो का नाम डाल देता हूँ जो कि अपना रैक्स है। ओके गाइस जो हमारा रैक्स है इसका नाम है मिस्टर इंडिया, और ये सजेस्ट किया है हमारे दीपराज लियो गेमर भाई ने, तो थैंक यू गाइस नाम सजेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही नाम सजेस्ट करते रहो। तो अभी ये काम करता हूँ इसका नाम मैं डाल देता हूँ मिस्टर इंडिया। ओके ये भी रेस्ट करता है भाई सीरियसली। ओके गाइस ये डल चुका है मिस्टर इंडिया, अभी एक काम करते हैं देख सकते हो। और सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ इसको रेस्ट पे लगाता हूँ भाई, ये रेस्ट करता भी कैसे करता है मेरे को नहीं पता है भाई, क्या औसम डायनो डराता क्यों अबे। ओके तो चलो गाइस अब ये काम करते हैं, आई थिंक इतना तो बन चुका होगा कि मैं इनफ सारी चीजें कर सकूं, बट ड्यूरेबिलिटी और आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए। अभी काम करता हूं इसको, करता हूं रिलोड और चलते हैं उस डायनो के पास। वही बात है भाई कि आसपास कोई डायनो ना आ जाए जो कि अपने को दिक्कत करे। और देख सकते हो भाई मेरा जो ग्रिफिन है भाई वो सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है ना। तो अभी काम करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को उसको ऐसी जगह पे या फिर ये जगह साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डायनोस हैं जो कि इसको मार सकते हैं या फिर मेरे को भी मार सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये साफ़ करता हूँ मैं यहाँ से। भाई देखो ये आर्मर की वजह से पता है डैमेज बहुत कम ले रहा है भाई सच में, है ना। चलो भाई अभी एक काम करते हैं इसको थोड़ा एग्रो कराते हैं, ये जब अपने दो पैरों पर खड़ा होगा तो मैं इसको कर सकता हूँ टेम। ओके अभी देख सकते हो ये अभी ऐसे नहीं होगा। ओके ये जब भी अपने दो पैरों पर खड़ा रहेगा, देखो ऐसे तो नहीं होगा, खैर ये
दो पैर पर खड़ा हो जा ना। ओ हो, 5 का डम भाई दूर बहुत फेंकेगा। अरे ओके, अभी देख सकते हो भाई बहुत तेज तौर पर चढ़ रहा था, चे बहुत तेज तौर पर चढ़ रहा। जल्दी 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 भाई हो तो जाएगा, सच में हो तो जाएगा भाई। एक बार भाई तो पहली बार में हो गया, नहीं हो रहा। अरे भाई क्या फेंका है इसने मेरे को, सीरियसली भाई हो तो एक बार में जाएगा, अगर अभी 2-3 बार में हिट में हो जाएगा आई थिंक। भाई मुझे लगा कि बहुत टाइम लेगा, सच में बहुत टाइम लेगा। अबे रिलोड हो जा भाई, सच में मुझे। अबे नहीं ऐसे तो हेल्थ जा रही है इसकी, इससे तो हेल्थ जा रही है इसकी। ओके अभी आई थिंक हो जाना चाहिए। ओके भाई ये हो चुका है बेहोश। ओके भाई हो जा भाई। ओ भाई साहब गिरने का एनिमेशन देखो भाई, सिर्फ एनिमेशन देखो भाई। सीरियसली मुझे लगा था 1 घंटों लगाएगा, बट नहीं यार ऐसा नहीं। हालांकि छोटा लेवल है गाइस, देख सकते हो 20 लेवल है, तो एज यूजुअल हाँ इतना तो बनता है। अभी आई थिंक देखते हैं गाइस, मैं थोड़ा और देखता हूँ, अगर मेरे को इससे भी ज़्यादा हाई लेवल मिल गया ना तो मैं उसको टेम कर लूँगा। बाकी ये भी डायनो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो गाइस इसको सबसे पहले तो ट्राई करते हैं, अगर ये अच्छा हुआ तो भाई इसको करेंगे, नहीं तो भाई कोई हाई लेवल ढूंढते अगर मेरे को मिलता है तो। ओके जितना ज़्यादा बड़ा डायनो उतना जल्दी टेम हो गया है ना, तो चलो गाइस देख सकते हो ये हो चुका है टेम। अभी मेरे को इसकी सैडल बनानी पड़ेगी, इसकी सैडल नहीं है। ओ भाई दो पैरों पर खड़ा हो गया भाई, दो पैरों पर खड़ा हो गया। अभी भाई 29 लेवल का ये डायनो है। चलो गाइस एक ही देखा था, मेरे को और नहीं मिलेंगे शायद से, देखता हूँ। बट आप ये चीज देख सकते हो भाई, मैंने कलर वाला मोड डाला है तो भाई कलरफुल डायनो आना स्टार्ट हो गए हैं, और भाई सच में कुछ ज्यादा ही तगड़े डायनो दिख रहे हैं भाई। ये देखो भाई अपना भाई अल्फा टीरेक्स, हेलो भाई अल्फा टीरेक्स आ गया ब्रो। भाई मैं सोच रहा हूँ इसको मारा जाए यार, भाई सच में बहुत सारी चीजें मिलेंगी अगर अल्फा टीरेक्स मार दिया मैंने तो। भाई क्या बोलते हो मारा जाए क्या अल्फा टीरेक्स? बट मेरे पास कौन सा ऐसा डायनो है जो इसको जल्दी मार देगा? आई थिंक रेक्स मार सकता है, मेरा वो वाला मोरो रेक्स मार सकता है, उसका डैमेज बहुत ज्यादा था। तो अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना डायनो खड़ा कर देता हूँ और कोशिश करते हैं गाइस इसको करने का अगर होता है तो। भाई नहीं तो मेरे को भागना पड़ेगा बहुत गंदी तरीके से। ब्रैकिसोरस मिस्टर इंडिया, चलो भाई हमारा मिस्टर इंडिया आ चुका है और देखते हैं भाई। मेरे पास हीलिंग पोशन वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस डायनो का। पहले तो यार मैं इसका डैमेज चेक करूंगा भाई कितना दे पा रहा हूँ मैं, नहीं तो पता चले मैं फालतू में गया और ये निपट गया मेरा डायनो। 13,000 का डैमेज दे रहा है गाइस है ना भाई, 13,000 का डैमेज दे रहा है, तो आई थिंक मैं इसको जल्दी मार सकता हूँ मे बी। कन्फर्म नहीं पता है कि मैं इसको कितना डैमेज दे पाऊँगा। ओके भाई 50 मतलब कि यही डायनो इतना कम डैमेज दे पा रहा है तो ठीक है। ओके भाई ये, अरे नहीं भाई ये तो डैमेज ही नहीं दे पा रहे भाई। भाई देख सकते हो ये डैमेज नहीं दे पा रहा है इस डायनो के ऊपर भाई, सीरियसली क्या पावरफुल डायनो है अपना। अब इसकी टेल भी मारता हूँ ना, रुको। ओ भाई 23,000 का डैमेज भाई, अल्फा टीरेक्स को फेंक दिया लिटरली भाई। भाई देख सकते हो भाई, अबे भाई साहब फेंक रहा है बार बार। लो भाई ये लो भाई तगड़ा डैमेज भाई, क्या पावरफुल डायनो है भाई। सच में इससे ज्यादा बेस्ट डायनो नहीं मिलेगा भाई। ये और भी कुछ करता था ना आई थिंक कंट्रोल से, अरे हाँ कंट्रोल से भी तो कुछ करता था। देखो भाई कंट्रोल से भी तो कुछ करता था ना, रुको रुको रुको, अबे जल्दी कर भाई। ये देखो भाई 10,000 का, वाह भाई भाई इसने तो हेल्थ ही कम नहीं करी मेरी भाई। 128 का डैमेज दे रहा है भाई, ये लो भाई निपट गया भाई। तो भाई देख सकते हो ये है हमारा डायनो मिस्टर इंडिया, भाई सच में कितना ज़्यादा पावरफुल डायनो है। चलो भाई अभी मजे आ गए सच में इस डायनो को टेम करने में, बहुत सारी इस डायनो को मारने में। मोरो रेक्स था जिसे आप इंडो रेक्स भी कह सकते हो। ओके अभी चलते हैं भाई। ओ हेलो भाई ऊपर ही दिख गया भाई ये तो डायनो, मुझे लगा कि टाइम लगेगा इसको ढूंढने में। ठीक है भाई ये मिल भी गया है, चलो भाई ये डायनो मिल गया है। अभी आई थिंक यहाँ पे कोई है भी नहीं है और करता हूँ गाइस इसको टीम। और अभी काम करता हूँ यहाँ पे, ये आरजी उंगली ना कर दे बस है ना। चलो भाई इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे और करते हैं इसको स्टार्ट टीमिंग। ओ हेलो भाई आप ये चीज़ देखो, मैंने इसको 2 या 3 बार ही यूज़ किया बट इसका ड्यूरेबिलिटी गिर चुकी है भाई। भाई सच में बहुत जल्दी टूटेगी अगर ये सीन हुआ तो भाई अभी एक काम करता हूँ इसको करवाता हूँ एग्रो और इसको भी करते हैं टीम। अभी आई थिंक इसका कलर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कलर कैसा कलर है इसका। ओके बट अच्छा है काफ़ी,
ये खड़ा होगा क्या एक बार में? पहली बार में खड़ा नहीं होगा ये। भाई भाग, खड़ा होगा क्या? नहीं खड़ा नहीं हो रहा है। खड़ा हो जा प्लीज, हो जा। नहीं हो रहा। और भी है क्या कोई डायनो? लग भाई लग तो रहा है मेरे को, ये ना आ जाए मेरे पीछे बस। ओके भाई अभी हो चुका है खड़ा। रुको अभी होगा ये जल्दी, टीम अभी होगा जल्दी। रिलोड हो, रिलोड हो, रिलोड हो, जल्दी जल्दी रिलोड हो, रिलोड जल्दी 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 जल्दी। भाई क्या डायनो खड़ा हो रहा है भाई अपने दो पैरों पे सच में। एक तो ये रिलोड का बड़ा गलत सीन है भाई। आई थिंक ये ऐसे में ही हो जाएगा, ये मेरे पीछा करता रहेगा और ये हो जाएगा टेम। अरे नहीं अभी नहीं होगा, एक और बार गाइस, एक और बार करना पड़ेगा इसको। ओ हेलो 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 भाई, ये देखो भाई, ये लग रहा है कोई स्पेसशिप चिल्ला रहा है भाई सीरियसली। क्या तगड़ा डायनो भाई सच में। अभी उठेगा क्या? ओके होगा होगा, ओके ठीक है भाई अभी हो जाएगा ये बेहोश बहुत इजी। जल्दी जल्दी जल्दी, और अरे नहीं हो रहा। अरे नहीं भाई बैठ गया, बैठ गया भाई। भाई साहब भाई सीरियसली क्या मजेदार आवाज है इसकी। कहाँ जा रहा है ये? भाग रहा है ये तो। अरे नहीं भाई प्लीज भाग मत, खड़ा हो। ओके ओके होना चाह रहा है क्या? होना चाह रहा, हो नहीं पा रहा है बेचारा। ओके अभी ठीक है, अभी जल्दी से करता हूँ। ओके भाई ये हो चुका बेहोश, ठीक है लेट जा भाई, गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। ये लो भाई हो चुका है डायनो बेहोश। अभी एक काम करता जल्दी से बैरी निकालता हूँ और करते इसको टीम। वहाँ पे क्या डायनो है, कौन सा डायनो है वो? और अभी एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको खिलाऊंगा। हाँ भाई आवाज़ आ गई उसकी, ठीक है भाई। ये 15 बैरी मांग रहा है ना इसके। अबे एक्सेस इन्वेंटरी क्यों नहीं आ रही है? ओके आ गई अभी 15। ओके मेरे पास 21 बैरीज हैं, ठीक है भाई ये हो जाएगा जल्दी से टेम। अभी करते हैं भाई, बट भाई प्लीज़ यार ये कमेंट में ज़रूर बताना मेरा ग्रिफिन कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है आपको। ओके और प्लीज़ इसका एक बहुत अच्छा नाम प्लीज़ बताना भाई, जितने भी लोग भाई नाम सजेस्ट करोगे बहुत बहुत शुक्रिया नाम सजेस्ट करोगे आप। ओके बट भाई इसका नाम अच्छा बताना, मैं उसी बंदे का पिक करूँगा जिसका नाम मेरे को अच्छा लगेगा, मतलब मेरे को नहीं आप सभी को अच्छा लगेगा। ओके तो वही करेंगे। तो चलो भाई हमारा डायनो हो चुका है टेम, और सीरियसली क्या लग गया यार ये। चलो भाई इसको काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं घर पे, है ना। और पता है गाइस अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि ये जो डायनो है ये हार्वेस्टिंग करता है मेटल की भी। सीरियसली भाई मेटल हुआ, ऑब्सीडियन हुआ, जो भी ये बड़े बड़े जो भी रिसोर्सेज वाली चीज़ रहती है ना इनको हार्वेस्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बेरीज के साथ साथ अपना मेटल वगैरह भी फार्म करता रहेगा मेरे लिए। भाई अच्छी चीज़ ये है कि मेल फीमेल है भाई, वाह। और अच्छे लेवल का जो है ना वो मेल है, सबसे अच्छी बात ये है। इसकी सैडल बनाता हूँ, और ये चीज़ देखो भाई, अबे मेरा घर जितना बड़ा ही है भाई, सीरियसली मेरे घर जितना बड़ा ही है भाई। ये चीज़ देखो भाई, ये देखो भाई, सीरियसली दो पैरों पर खड़ा हो गया भाई ये डायनो। ओ भाई साहब भाई सच में कुछ ज़्यादा ही अच्छा और तगड़ा डायनो है यार, बहुत पावरफुल डायनो है। बाकी काम करता हूँ, बड़ा वाला कहाँ गया? ब्रैकेसोरस ये गया। 73 लेवल है इसकी, ठीक है 50 लेवल का मिला था मेरे को, अभी देख सकते हो। ओह भाई सीरियसली भाई ये चीज़ देखो भाई सच में, देखना आप लोग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई सच में भाई पत्थर वगैरह क्या स्टोन फार्म किया इसने भाई। देखो भाई स्टोन तो कर ही रहा है, बट भाई मेटल देखो, दो पत्थरों से मेटल इतना ज़्यादा फार्म कर दिया ना इस डायनो ने कि क्या ही बताऊँ। ओहो भाई थैच कर रहा है बहुत ज़्यादा थैच भाई, 6000 थैच निकाल दिया दो पेड़ों से, सीरियसली भाई। बट स्टोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा फार्म कर रहा है। तो चलो गाइज देख सकते हो ये है हमारा आज का डायनो ब्रैकियोसॉरस। और प्लीज़ गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये डायनो आपको कैसा लगा। ओके और इसका टेमिंग प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और प्लीज़ गाइज इसका भी नाम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो गाइज आज के इस एपिसोड में इतना ही, आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते।